हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। यह है एक्ट 9.1.3 का एपिसोड। शुरू करते हैं। यहाँ पे जो बॉस फाइट करने वाला हूँ वो होने वाले ओवरसीर के साथ में। जो पास में लेने वाला हूँ वहां पे अटैकर स्किल अटैकर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैं बताता हूँ आपको पाथ कौन सा लेने वाला हूँ। शांगचाई वाला पाथ लेने वाला हूँ मैं। अब इसमें लोकल नोड क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो 50% चांस रहेगा ये इवेड करेंगे, ठीक है। तो इवेड काउंटर लाना है आपको सबसे पहले। तो ये अगर इवेड काउंटर नहीं है आपके पास तो आपको फाइट में जाके क्या करना है कि जैसे ही फाइट में एंटर करोगे आपको पीछे जाके ब्लॉक पकड़ना है 0.6 सेकंड के लिए। अगर आपने ब्लॉक पकड़ा तो आप रूटेड हो जाओगे 3 सेकंड के लिए। जैसे ही रूट खत्म हो जाएगा आपको ट्रू स्ट्राइक मिलेगा। इसका मतलब यह है 20 सेकंड के लिए ट्रू स्ट्राइक मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 20 सेकंड तक यह इवेड नहीं करेगा अगर आपके पास इवेड काउंटर नहीं है। बाकी अगर इवेड काउंटर है तो आप लोग ला सकते हो। और इस पाथ पे अगर आपको पावर गेन करना है तो आपको हवा में हाथ चलाना होगा, मतलब हवा में ऐसे ही अटैक करना होगा फालतू में, तभी आपको पावर गेन मिलेगा। और साथ ही साथ आपको इसमें क्या है, डिफेंडर को अगर पैरी करना है तो आपको रिपैरी करना पड़ेगा, मतलब पहले हिट पे वो पैरी नहीं होगा, आपको रिपैरी ही करना पड़ेगा। और एक और चीज, जब भी म्यूटेंट अटैकर लाओगे अगर उसका स्ट्राइकर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको प्रोवस मिलेगा जो कि आपका स्पेशल अटैक 200% बढ़ा देगा। ये प्रोवस तभी कंज्यूम होंगे जब आप स्पेशल अटैक मारोगे। तो टीम में थोड़ी चेंजेस लानी पड़ेगी क्योंकि म्यूटेंट अटैकर मैं लेके आया हूँ, एक और लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम केट नहीं, निक फ्यूरी की जगह पे मैं सोच रहा हूँ लेके आता हूँ। यहाँ तो स्किल तो वैसे नहीं, सिल्क की जगह पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये पाथ तो मैंने आप लोगों को बता दिया। शार्क स्पाइडी वाला पाथ है कि क्या है कि आपको यहाँ पे इसको वही स्कॉच चार्ज मिलेंगे, आपकी एबिलिटी एक्यूरेसी गिरती जाएगी जैसे जैसे उसके चार्ज बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 चार्ज मिलेंगे उसे। अगर उसके चार्ज आपको हटाने हैं या टाइमर को पॉज करना है, जब भी अपना स्पेशल छोड़ेगा उसका टाइमर पॉज हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको डॉच करते हो तो 2 सेकंड और टाइम पॉज हो जाएगा। अगर उसका चार्ज एक साथ 5 चार्ज हटाने हैं तो आपको स्पेशल वन स्पैम करना पड़ेगा। और यहाँ पे इस पास पे आपको बफ वाले चैंपियन लाने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा बफ, ज्यादा से ज्यादा डैमेज, ठीक है। कॉस्मिक अटैकर लाओगे तो जब भी आप अपना स्ट्राइकर इस्तेमाल करोगे आपके ऊपर 3 एप्टीट्यूड बफ आ जाएंगे जो कि आपकी 15 सेकंड के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास बफ वाले चैंपियन भी नहीं है तो कॉस्मिक अटैकर लेके आओ। कॉस्मिक अटैकर जैसे ही रैलिक यूज करोगे आपको 3 बफ वैसे ही मिल जाएंगे। अब ल्यूक केज वाला पाथ क्या है यहाँ पे वो बता देता हूँ। स्किल अटैकर जब भी आप अपना स्ट्राइकर यूज करोगे, स्किल अटैकर लाओगे, अपना रैलिक यूज करोगे, आप आर्मर ब्रेक कर पाओगे सामने वाले का। आर्मर ब्रेक करोगे तो ही आप इसको डैमेज दे पाओगे, वरना ये डैमेज नहीं लेगा। और यहाँ पे जब भी ये अपना स्पेशल अटैक छोड़ेगा 2 पेट्रीफाई डीबफ डालेगा, उससे कुछ नहीं होगा आपको। और डिफेंडर गेन 2%, जब भी आप इसका बफ को नलीफाई करोगे एक्सपायर हो जाएगा, 2% उसको मैक्स पावर मिलता चला जाएगा। अगर आपके ऊपर डीबफ है तो यहाँ पे क्या है कि उनका डिफेंडर का जो अटैक है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या है, आर्मर डीबफ फॉर 14 सेकंड शायद डिफेंडर विद द फर्स्ट हिट विद द हैवी अटैक। हाँ, अगर आपको आर्मर ब्रेक को रिफ्रेश करना है तो आपको हैवी अटैक मारना पड़ेगा जो आर्मर ब्रेक को रिफ्रेश करेगा। और डिफेंडर, हाँ, आप आर्मर ब्रेक डाल पाओगे तो ही 100% डैमेज दे पाओगे, ठीक है। तो ये आ गया, ये लेने वाला हूं मैं शांची वाला पाथ। अब देखो ओवरसीर से मैं फाइट करने वाला हूं। यहां पे क्या होने वाला है कि जैसे स्किल अटैकर आपने 5 क्रिटिकल हिट मारेगा तो 1 डीबफ को प्यूरिफाई कर पाएगा। और जैसे जैसे हम पे डीबफ डलेगा हमारी डिफेंसिव एबिलिटी एक्यूरेसी जो है वो गिरते चली जाएगी। और अगर हम 3 सेकंड तक उसके पास रहे तो हमें स्ट्राइकर भी मिलता रहेगा, मतलब हमको दूर भी जाना है, उसे मारते मारते दूर भी आना है। और जब भी हम इसके ब्लॉक या ऑटो ब्लॉक करेगा ये तो हमें कंकशन मिलेगा, मतलब डीबफ एक। और जैसे ही हमारा स्पेशल 2 बनेगा वैसे ही हमें छोड़ना है, वरना हमारा पावर ड्रेन 0 हो जाएगा भाई। तो अगर इंटरसेप्ट करते हैं तो हमारा अटैक जो है 200% बूस्ट हो जाएगा। अब गैलन के ऊपर लोड क्या लगे, जब भी मिस्ट्रिक अटैकर यहाँ पे अपना मिस्ट्रिक अटैकर लाएंगे और स्किल अपना रैलिक यूज करेंगे तो हमारा हम 30% पावर उसकी शील कर पाएंगे सामने वाले की, ठीक है। और जब भी हम इसको पैरी करेंगे हमारे ऊपर आर्मर अप आ जाएगा। आर्मर अप आएगा तो इसका मतलब गैलन अपने चार्जेस बहुत जल्दी बना सकता है। हर 12वें सेकंड के बाद 4 सेकंड के लिए अनब्लॉकेबल होगा, लेकिन 12वें सेकंड अगर आप उससे दूर रहे तो आप अनब्लॉकेबल होंगे। और द डिफेंडर गेट 3% ऑफ मैक्स पावर, जब भी हम इसको नलीफाई करेंगे या बफ को नलीफाई या एक्सपायर होगा, इसका 3% मैक्स पावर बढ़ता चला जाएगा। शॉक इम्यून है, मतलब शॉक नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे डायनासोर को कैसे मारना है, टैक अटैकर लाओगे तो आपको परमानेंट फ्यूरी मिलते चले जाएगी जब भी सामने वाला हिल ब्लॉक होगा। अब गेनिंग अ फ्यूरी इन दिस वे हैज अ 1 सेकंड कूल डाउन। अच्छा, जब भी आपको जब भी वो हिल ब्लॉक में क्या बोलते हैं रिजन करेगा ना,
ना एक सेकंड, जब भी वो हील ब्लॉक में हाँ रीजन करेगा आपको फ्यूरी मिलता चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है कि डिफेंडर स्टार्ट द फाइट विद, इसको प्रोटेक्शन मिलेगी जो कि 50% अटैक जो है वो कम कर देगी हमारा, लेकिन जैसे ही स्पेशल यूज करेगा 30 सेकंड के लिए जो शील्ड है वो डाउन हो जाएगी। अब अगला क्या है, शेड स्किन टू, मैंने अटैकर के जब भी हमारा पावर बार होगा हमारे पास 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा, अगर हम इस 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा हमें अपना स्पेशल छोड़ने के लिए, इफ द टाइमर एक्सपायर द डिफेंडर गेन, जब भी अगर टाइमर एक्सपायर हो गया हम स्पेशल नहीं छोड़ पाए तो इसे डिबफ इम्यूनिटी मिल जाएगी 10 सेकंड के लिए, और अगर इस टाइमर को हटाना है तो आपको नॉकडाउन करना पड़ेगा सामने वाले को। और यहां पे क्या है, व्हेन द डिफेंडर इज इम्यून टू अ डिबफ, अगर ये कोई भी डिबफ से इम्यून, जैसे पॉइजन से इम्यून, अगर पॉइजन डाला तो 33% बार ऑफ पावर मिलेगा इसे, और ये चूज करेगा हमें कौन सा स्पेशल मारना है, स्पेशल अगर 1 लिखा होगा तो स्पेशल 1, 2 लिखा होगा स्पेशल 2, ठीक है, और शॉक से इम्यून है। मैंने आपको सभी नोड पढ़वा दिया, अब जल्दी से एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे टीम थोड़ी चेंज करता हूँ, मैं म्यूटेंट का एक बंदा लेके आता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली फाइट हमारी शांची से है, मतलब ये है कि हमें अपना वो करना है, क्या बोलते हैं इसको, इवेड नहीं करने देना, दैट मीन्स कि हमें अगर मैं इसको भी ले आऊंगा आर्क एंजल का तो भी काम कर जाएगा, बाकी अगर मैं केट बिशप को लेके जाता हूँ तो ये भी काम कर जाएगी क्योंकि ये क्लोड स्नैप डालेगी, दैट्स वाई हम इसको आर्क एंजल से ट्राई करते हैं एक बार, पता चल जाएगा ना इसी फाइट में हम आर्क एंजल आगे यूज कर पाएंगे या नहीं, रिपेयर ही करना है ना हमें यार, वो भी तो मुश्किल है थोड़ा क्योंकि रिपेयर ही करना है, दैट्स वाई। ओके कर लिया बंदे ने, वेट नहीं, स्लो डिबफ वाले चैंपियन चाहिए, तो आर्क एंजल तो मेरे ख्याल से नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके दो न्यूरो डाल दिए, मतलब कि 50% एबिलिटी एक्यूरेसी जो है वो तो गिर चुकी है इसके, है ना, इसका मतलब ये है कि मेरे को और डालने पड़ेंगे यहाँ पे, पॉइजन डाल रखे हैं मैंने, एक न्यूरो लगा दिया वापस से, स्पेशल छोड़ नहीं रहा बंदा, 4 न्यूरो लगा चुके हैं। ओके यार प्रॉपस तो मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या बोल रहे थे साले, शिट गलत टाइम पे मार दिया, कोई बात नहीं, हम अब यहां पे मैं केट बिशप लेके आता हूँ फिर दिखाता हूँ इसको। ओके लेट्स ट्राई नाउ, अब देखता हूँ साला वेट कैसे करता है, मेरा एक बार स्पेशल वन रेडी हो जाए ना फिर बताता हूँ। अच्छा हाँ आप लोग देख रहे हो मैं हवा में अटैक मार रहा हूँ तभी मैं यहाँ पे वो कर पा रहा हूँ, अपना स्पेशल कर पा रहा हूँ। अबे यार तेरी तो साले, ओके आ जा बेटा, कोल्ड स्नैप आ गया तेरे पे, अब बस पैरी का सीन है, इवेट का सीन तो नहीं रहा अब, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसका ये। ओके ये तो साले ये ले, ओके नो प्रॉब्लम मारते रहे भाई, रेलिक से मैं रिफ्रेश भी कर लूंगा और इवेड भी नहीं कर पाएगा। चलो स्पेशल वापस से मैं बना लिया, डन ये फाइट भी डन, चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे, थोड़ा ट्रिकी फाइट है लेकिन आराम से हो जाएगी, शायद ह्यूमन टॉर्च कोल्ड स्नैप इम्यून है, मुझे मैंने कोई रिस्क नहीं लिया ना ही पड़ा, तो मैं यहाँ पे इतना मोलमैन बाई ले आया, इवेड नहीं होने देना बस। कोई बात नहीं भाई तू हैवी ठोक ले यार, हम जाएंगे स्पेशल 3 पे, ठीक है, अरे मुझे क्या पता था रूटेड हो जाऊंगा इतनी जल्दी यार, हद हो गई यार। ये लो हो गया कांड, ओके एक ही ऑप्शन रह गया अब तो यही, अरे यार ये जो रूट है ना ये बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे। ओके
वेट अ सेक यार, ओवर गेन भी नहीं करवा रहा मैं। ओके अरे नहीं, स्पेशल टू नहीं बनाना था भाई, टैक्टिकल चार्ज लेना है तेरे को, स्पेशल टू क्यों बना रहा है यार, दिमाग खराब भाई। बन गए टैक्टिकल चार्ज फिर, साला मेरे को ऐसे ही मार डालेगा। टू स्ट्राइक है हमारे पे, रुक तेरी तो इवेड फेल्ड करना है पहले, सबसे पहले मेन मकसद यह है कि हमारा इवेड फेल्ड हो, देन उसके बाद ठोक भी पाएंगे यार। उसके लिए हमें चाहिए कि ये स्पेशल छोड़े, ले आओ फिर से स्पेशल रेडी हो गया, इवेड फेल्ड हो गया हमारा। ओके मार ले बेटा मार ले, अब तेरा इवेड तो होगा नहीं, अब बस पैरी का चक्कर है, पैरी का देखना पड़ेगा थोड़ा। रुक तेरी तो ऐसी की तैसी, डैमेज भी बढ़ गया हमारा, आजा ओके, नो प्रॉब्लम ओके नो प्रॉब्लम अगेन, मर जा कुत्ते, ओके आई थिंक मर जा, चलो निपट गया, आगे बढ़ते। इसका भी चक्कर है भाई, ये बंदा करता है पावर गेन काफी, ओके ठीक है, ये तो ठोक दिया हमने इसको, ओके अबे नहीं यार मैं हिविफ कर रहा था यार, मैं हवा में, नुकसान हो गया बहुत बड़ा। ओके वेड फील्ड एंड रिफ्रेश कर लेते हैं अपने कोल्ड स्नैप को, गुड। अरे यार ओके ओके एक और कोल्ड स्नैप, नाइस। एक और कोल्ड स्नैप, गुड। ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम दे देंगे डैमेज, रिफ्रेश कर लेते हैं कोल्ड स्नैप को। अरे नहीं यार साला, ये तीन से जो आधा सेकंड का है ना, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, बार बार रूटेड हो रहा हूं मैं। मर जा, निपट गया, डैमेज दे गया, थोड़ा सा हील कर लेते इसको। इसकी हेल्थ है 7.5 लाख, तो लेट्स ट्राई अगेन। हैं? इवेड कर गई मेरे को, ले ओ भाई अब मैं हो गया कांड, मारो रिवाइव। निक फ्यूरी ले जाता लेकिन साला ब्लीड लगेगा तो हमको डी जनरेशन आएगा, तो वो नहीं चाहता मैं। ओके थोड़ा लेट हो गया ना,
अरे स्पेशल हो गया यार। ओके रिफ्रेश करना पड़ेगा बहुत जल्दी वरना बहुत प्रॉब्लम आएगी यार। ब्लॉक डैमेज लेने के लिए रेडी रहो। ओके एक और स्पेशल। ट्रैंकुलाइज कैसे हो गया मेरा? अरे ट्रैंकुलाइज कैसे आ गया मेरे भाई? शिट यार आई डोंट नो ट्रैंकुलाइज कैसे आया बट इसका फेज पता नहीं, इसके एरोस पता नहीं कैसे चेंज होते यार, वो देखना पड़ेगा एक बार। ओके रुक जा भाई। ये मारा हमने स्पेशल। ओके फाइन ये भी बढ़िया है, विफ अटैक करना भी मुश्किल है भाई, ऐसा नहीं होगा। ओके एक और स्पेशल ठोक दिया हमने। ठीक है ये भी बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है, मिस हो गया अपना अटैक ही। ट्रू स्ट्राइक है तो बच रहे हैं अभी। ओके ठीक है कोई बात नहीं, ये भी बहुत बढ़िया। डैमेज काफी अच्छा हो गया है इनका डिफेंडर्स का एक्टर 9 में। ओके अबे स्पेशल छोड़ा ना मैंने भाई। ओके निपट गई ये, आगे बढ़ते हैं। शिल्क्स शायद अवेंजर में नहीं है। हाँ निपट गया ये भी, चलो आगे बढ़ो अब। ओके लेट्स ट्राई विद द मोलमैन। वेड तो नहीं होगा लेकिन पैरी भी तो करना है हमें। चार्ज बनाओ ना एक बार, क्रिटिकल शॉट देना चाहता हूं मैं इसको। ओके नो प्रॉब्लम। अरे ऐसे डैमेज नहीं मिलेगा यार। ओके वाह ओके 8 हो गए ना, 8 मतलब 10 और 18 चार्ज हमारे पास है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से खेलना होगा क्योंकि इवेड करेगी अभी। नहीं ऐसे तो नहीं खेल पाऊंगा यार, पैरी भी करना है, उसके बाद पैरी भी नहीं हो रही। ओके विफ करते करते ही पिट गया मैं। चलो लेट्स ट्राई विद केट। है पाथ तो डिफिकल्ट है ये वाला, पर से डैमेज काफी इंक्रीज कर दिया यार। पावर गेन करोगे तो फिर भी पिटोगे, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके दूर हो जा मेरी नजरों से। मैंने ट्रैंकुलाइज फिर से लाया ना यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये चेंज कैसे होता है, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसे डैमेज नहीं दे पाऊंगा यार इसको, हद हो गई भाई, दफा मारो यार, खेलना ही नहीं है। अब एंटर कर गया हूं लेकिन मैंने वो ही नहीं ऑन किया इसका कोल्ड स्नैप। ये भी ठीक था भाई, कोल्ड स्नैप ही और वो प्री फाइट लगाई नहीं मैंने, तो रिपेयरी का चक्कर है ना भाई, बंदा फंस रहा है इसमें बार बार।
अरे नहीं यार, क्या करूं, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। एक तो किराया वो आ गया अब यार। ट्रू स्ट्राइक आ गया, इसका मतलब ये है इवेड फेल्ड, हम कर सकते हैं। फ्रेजाइल भी आ गया, अब आ गया वापस से कोल्ड स्नैप। प्री फाइट लगाई नहीं यार। ओके ठीक है, जब तक है उसको तब तक मारते हैं। ये तो साला रिफ्रेश भी नहीं हो रहा ना कॉर्नर में, जब तक नहीं जाऊंगा। हो जा रिफ्रेश, हो गए, नाइस, वेरी गुड। ओके निपट गई भाई। आगे चिल थे, उसके बाद है बॉस। 9 लाख, लगभग 9 लाख इसकी हेल्थ है ना। अरे साला जरा सा ब्लॉक छोड़ा, ऐसे लपेट ही दिया यार। ये ले ओ। ओके स्पेशल मार यार। ओके एक और कोल्ड स्नैप। ठीक है एक और होल्ड स्नैप। मार, शाबाश। अबे ये ट्रैंकुलाइज कैसे आ गया यार, हद हो गई यार। ये साला चेंज कैसे हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई। ये चेंज होता कब है, ना तो मेरे को ही समझ नहीं आ रहा भाई, यहां तो होता ही ऐसा है। अच्छी बात यह है कि हम कॉर्नर में लेके आ गए थे, तो कोल्ड स्नैप बार बार रिफ्रेश हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हम मार पाए इसको, वरना तो लग गए थे कि सिल्क की तरह यार। ओके तो गाइज ये फाइट है यहाँ पे एक्ट 9.1.3 के बॉस के साथ में। लेट्स ट्राई विद वेलकरी, मैं चेंज करके लाया हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। हमको इसके ब्लॉक पे हिट नहीं करना है, ना ही ऑटो ब्लॉक होने देना है। सागर लग गया भाई, चलो एक पैसिव तो आ गया। ऑटो ब्लॉक का बड़ा चक्कर है भाई। एक काफी जल्दी नहीं लग रहा ऑटो ब्लॉक, लगना तो नहीं चाहिए था इतना जल्दी यार। बहुत जल्दी लग रहा है ऑटो ब्लॉक, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पीछे पीछे 1.2 मिलियन की हेल्थ है बंदे को यार। ओके नहीं, जब तक पियर्सिंग बफ्स नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं कर सकता इसको। हमने इंटरसेप्ट किया है बट उससे भी कुछ नहीं ज्यादा होगा। पियर्सिंग एक बफ आ गया है। ओके दो पियर्सिंग है मेरे पास।
कंकशन आ गया, तो मतलब एबिलिटी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी खासी गिर चुकी है हमारी, अब बहुत बढ़िया वाली एबिलिटी एक्यूरेसी गिर चुकी है। ठीक है, पैरी करूंगा, नहीं होगा, हो गया। वेट 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 गाइस, एक ये भी है ना कि स्पेशल टू पे आपको जल्दी से जल्दी स्पेशल टू छोड़ना भी तो है, अगर पावर ज्यादा एक्सीड हो गई फिर तो वो भी दिक्कत है ना, मिलेगी भी नहीं, पावर जीरो हो जाएगा। शैगर हो गया एक और, ओके, तीन पियर्सिंग आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट करने का ट्राई करना है, बाकी लेट्स होप की हो जाए। अरे छोड़ दे स्पेशल भाई, छोड़ दे, ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऑटो ब्लॉक खत्म होने दो इसका, फिर उसके बाद अच्छे से मारेंगे इसको। देखा, मारा ना अच्छे से, देखा सारी की सारी पावर खा गया, बोरे बढ़िया मारा इसको, बहुत बढ़िया। यार आजा मार अब, वेट, मेरे को इंटरसेप्ट करना है यार इस बंदे को, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। आजा 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 आजा, नाइस 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 नाइस, अरे स्पेशल इन्हें ठोक रहा है यार, इतना अनोइंग कब से हो गए। ओके 60 पे पहुंच गया ना, वेट अ सेक, ओके आजा मार स्पेशल टू, मारो स्पेशल टू भाई, ओके फाइन, स्पेशल टू हमारा भी रेडी हो चुका है। अब इसका ऑटो ब्लॉक फेल हो रहा है यहां से, स्पेशल टू एक, ठीक है। अरे नहीं यार, ओके आजा 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 आजा, 48 पे हो गया ना, शिट शिट शिट, ऑटो ब्लॉक में घुस गया मैं उसके, ओके नो प्रॉब्लम, आ जाओ एक पैर ही पकड़ते हैं, ये छोड़ा एक और स्पेशल टू हमने, नाइस डैमेज 38, ओके आ जा मार स्पेशल, पूरी फ्यूरी वेस्ट करवाता है बंदा यार, पूरी फ्यूरी, ओके चलो लग जाओ काम पे, आ जा भाई मार स्पेशल, स्पेशल टू रेडी करते हैं अपना, ओके ये ठोका स्पेशल टू अपना, इंटरसेप्ट पे मारा, बहुत बढ़िया डैमेज 25%, ओके नॉट बैड, ऑटो ब्लॉक खत्म होने तो उसके बाद मारेंगे, आराम से मारेंगे, चिल लोगे भाई, मैं चाहता ही नहीं इस पे रिवाइव लगे, सिल्क पे कम लग गए जो इस पे लगने आप, ओके 26% है ना अभी, 15 पे पहुंचाता है उसको, अरे नहीं ऑटो ब्लॉक में घुस गया मैं, ओके चलो 23, अरे 19 बचा है अभी भी यार, फ्यूरी का फायदा उठाएंगे, ओके अब मारने दो उसको स्पेशल, 11% रह गया टोटल, एक स्पेशल टू और दो चार कॉम्बो और, ओके 5000 का हिट दे दिया यहाँ पे भी, 10% हेल्थ है। अबे रीजन पे गया वो, ओह नो मैन, आजा
एक और पैर ही पकड़ तू मेरे से। ओके ये दे दे दिया हमने। मैं कॉम्बो को ना रिवर्स करना चाहता था बट हुआ नहीं। ठीक है कोई नहीं। अबे रीजन पे स्पेशल वन पे नहीं ट्रिगर करना है भाई उसको। ओके वापस से लपेटना पड़ेगा उसको। कॉम्बो इन्वर्टेड हो चुके हैं। आ जा ओके। अरे मेरे को लगा मर गया। अब मर जा। ओके डन आराम से लपेट ली भाई। 7 मिनट 7 मिनट लग गए इसको मारने में। हद है यार। ओके लेकिन सोलो कर दिया अच्छा हुआ आराम से खेला। सिल्क में काफी सारे लड़ाई लग गए यार जो लगने नहीं चाहिए थे। थोड़ा पार्ट ट्रिकी था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट जरूर करना। सारे नोट्स मैंने समझा दिए हैं इस एपिसोड के इस एक्ट के इस क्वेस्ट के। लाइक कमेंट जरूर करो एंड जल्दी मिलता हूं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बाय बाय खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।